हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग वन। पिछले वीडियो में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिनेशन देखे थे, कुछ मेथड्स उसके देखे थे। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन क्यों निकालते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉइल आर गवर्नड बाय The water content of a soil sample. It controls the behavior of soil. हमें कोई भी problem solve करने के लिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी numerical solve करते हैं तो सबसे पहले हमको water content उसमें determine करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत important है। क्योंकि जब भी आप soil को अगर आप transfer भी करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर भी उसमें water content में changes आते हैं। तो हमारे पास कुछ methods है उसको determine करने के, क्योंकि हम वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जो मेथड्स है वो है ओवन ड्राई मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इंफ्रारेड टॉर्शन बैलेंस मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड, पिकनोमीटर मेथड। तो चलिए ओवन ड्राई मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज स्टैंडर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड, ठीक है ना। इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है टू फाइंड द वाटर कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल कोरिडेबल एयर टाइट कंटेनर इज टेकन, The soil sample in the container is then dried in an oven. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो soil sample को dry करते हैं oven में at a temperature of 105 degree Celsius to 110 degree Celsius for 24 hours. ठीक है ना, 24 घंटे के लिए हम लोग उसको oven में dry करते हैं। हम लोग 105 से लेकर 110 इतना टेम्परेचर उसको दे सकते हैं, इससे ज्यादा टेम्परेचर हम लोग उसको नहीं दे सकते। अभी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि टेम्परेचर हायर देन दिस मे कॉज ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्योंकि सॉइल का भी तो कोई स्ट्रक्चर है ना, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी कुछ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर वो उसके स्ट्रक्चर के वाटर पार्टिकल्स अगर इवेपोरेट हो गए तो आपका जो बॉन्ड होता है सॉइल का बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा। 10 मतलब 110 डिग्री तक ही उसको हीट कर सकते हैं, उतने टेम्परेचर पे उसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट जाननी है, वो है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल द टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको हम सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको टेम्परेचर देंगे। नहीं तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल को अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर दे देते ना, ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल ले रहे हैं तो उसको हम लोग 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे नहीं सकते उसको ड्राई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर M1, M2, M3। अब ये M1, M2, M3 क्या है? M1 है आपका मास ऑफ कंटेनर, ये आपका कंटेनर है उसका मास है M1। M2 क्या है? मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, ये अपना मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, या इससे मिलेगा आपको मास ऑफ सेकेंड, ये जो सेकेंड स्टेज है इसका मास। अब M3 क्या है? मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। अब M3 में क्या किया हमने? ड्राई सॉइल किया, इसको हमने ओवन में ड्राई करके फिर उसका वेट ले रहे हैं हम लोग M3। तो ये हो गया आपका M3। तो जाहिर सी बात है वेट सॉइल के कंपेयर में ड्राई सॉइल का लेवल उसके नीचे ही होगा, क्योंकि उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाएगा अगर हम लोग उसको ड्राई करेंगे तो लेवल में थोड़ा सा बहुत फर्क आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमको वही डिटरमाइन करना है कि इसमें वाटर कंटेंट कितना था। तो आप देख सकते हो कुछ इतना लेवल पहले इतना लेवल था, अब नीचे चला गया। तो ये वाटर कंटेंट उसमें कितना था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम लोग। अब देखिए आपको वेट ऑफ वाटर निकालना है, वेट ऑफ वाटर मतलब कितना। देखो ये डॉटेड लाइन से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपका हो गया वेट ऑफ वाटर। अगर वो आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, M2 में से M3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो M2 में से अगर आप M3 को माइनस कर देगे तो इतना स्पेस का आपको वेट मिल जाएगा कि इतना स्पेस कितना था। ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं डॉटेड थोड़ा डार्क बना देता हूँ, इस तरीके से है। तो इतना लेवल का आपको मिल जाएगा कि वो कितना है, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा आपको, M3 में क्या है, ड्राई सॉइल प्लस जो कंटेनर है उसका वेट है M3 में। तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, M3 में से M1 को माइनस करेंगे। अब M1 क्या है, कंटेनर का वेट। तो M3 में से
हम लोग कंटेनर का वेट माइनस करेंगे। देखो M3 क्या है, मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, लेकिन हमको वेट ऑफ सॉइल चाहिए तो मास ऑफ कंटेनर को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो मास ऑफ कंटेनर को रिमूव करने के लिए हमको M1 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना M3 माइनस M1 करेंगे हमको तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वाटर कंटेंट का, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर क्या है, M2 माइनस M3 अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या है, M3 माइनस M1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमने उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए थ्रू द मेथड ऑफ ओवन ड्राइंग, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंफ्रारेड टॉर्शन बैलेंस मेथड। तो फिर ये मेथड का ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मेथड डायरेक्टली एक मशीन में परफॉर्म होता है। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे कि इंफ्रारेड टॉर्शन बैलेंस मेथड कैसे परफॉर्म होता है, तो उसका आपको मिल जाएगा। एक मशीन होती है छोटी सी, उसमें वो परफॉर्म होता है। अगर उसका आपको छोटा सा डेफिनेशन पार्ट लिखना है, तो वो होता है द इक्विपमेंट हैज टू मेन पार्ट्स, द इंफ्रारेड लैंप, उसमें एक लाइट होता है इंफ्रारेड लाइट, और उसमें टॉर्शन बैलेंस होता है, और वो द इंफ्रारेड रेडिएशन इज प्रोवाइडेड बाय 250 वोल्ट लैंप, ठीक है ना। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं वो कैसे होता है, तो फिर देखो वो जो परफॉर्मेंस, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका इस तरीके से एक टंगा होता है, ये लटका हुआ है, ठीक है ना, ये लटका हुआ है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, टॉर्शन दे देंगे। तो टॉर्शन देंगे तो ये मूव होने लगेगा, ये घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगता है तब इसका यहाँ पर कुछ स्केल होता है इसके अंदर। तो ये जिस स्केल पे मूव रोटेट हो रहा है, वो स्केल को पहले नापते हैं, मतलब उस मेजर करते हैं कि कौन से स्केल पे ये रोटेट हो रहा है। जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, फिर हम लोग इसमें सॉइल पार्टिकल्स डालते हैं, अपना सॉइल डालते हैं। तो सॉइल डालने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंफ्रारेड लाइट ऑन करेंगे। तो इंफ्रारेड लाइट ऑन करने के कारण क्या होगा, ये रोटेट हो रहा है, ऊपर से इसमें इंफ्रारेड लाइट भी पड़ रहा है इसके ऊपर। तो वो क्या करेगा, इसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको इवाप्रेट करेगा। तो जब इसका वाटर कंटेंट इवाप्रेट होगा, तब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो इसका स्केल होता है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो वही उसको द टॉर्शन बैलेंस के मेथड से वो मशीन आपको डायरेक्टली आंसर दे देता है। तो इस मशीन से हमको डायरेक्टली वाटर कंटेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिक्नोमीटर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो टू यूज दिस मेथड टू फाइंड वाटर कंटेंट, आपको पता होगा पिक्नोमीटर मेथड हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन में भी पढ़ा था। तो फिर पिक्नोमीटर मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, टू यूज दिस मेथड टू फाइंड वाटर कंटेंट, इट इज नेसेसरी टू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल फाइंड करना पड़ेगा, तब भी आप पिक्नोमीटर मेथड यूज कर सकते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो W1 क्या है आपका, मास ऑफ पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर का डायग्राम तो इस तरीके से नहीं होता है, पिक्नोमीटर ऊपर से कोनिकल होता है। तो आप ऐसा समझ लिए कि ये पिक्नोमीटर है, ठीक है ना। और W1 क्या है आपका, मास ऑफ पिक्नोमीटर। W2 क्या है, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल, इसमें हमारा वेट सॉइल है, ड्राई सॉइल नहीं है, ठीक है ना, वेट सॉइल है। और W3 क्या है, हमने W2 में जो बचा वाला पोर्शन था उसमें पूरा पानी भर दिया, तो हुआ क्या, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर प्लस वेट सॉइल, ये आपका हो गया W3। और W4 में क्या है, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। तो इस तरीके से आपका डायग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वाटर कंटेंट के फॉर्मूले से। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ये कौन सा वेट ऑफ वाटर है, ये जो WW है वेट ऑफ वाटर, ये कौन सा वेट ऑफ वाटर है, क्या ये वाला वेट ऑफ वाटर है क्या, नहीं है ये वाला वेट ऑफ वाटर नहीं, वाटर कंटेंट वाला वेट ऑफ वाटर। मतलब ये जो वेट सॉइल आपको दिख रहा है ना, ये गीली मिट्टी, इस गीली मिट्टी में कितना पानी है वो हमें फाइंड करना है। अगर बोलेगी कि वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है तो वो तो ईजी है, W4 में से हम W1 इसका कंटेनर का वजन माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर यहाँ से मिल जाएगा आराम से। तो वो हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें वाटर कंटेंट निकालना है। मतलब ये जो गीली मिट्टी है, वेट सॉइल है, इसमें कितना पानी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, हमें WW चाहिए। तो WW कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे इसमें, W2 में से सबसे पहले देखो, W2 में से सबसे पहले W1 को माइनस करेंगे। अब आपका W1 क्या है, आपका W1 है
ये अपना कंटेनर का वेट, W2 में क्या है वेट सॉइल और W1 में क्या है कंटेनर का वजन। यहाँ से आपको मिल गया वेट सॉइल का वजन, यहाँ से सिर्फ आपको इतना मिलता है वेट सॉइल का वजन, लेकिन इसमें से हम लोग को वेट ऑफ सॉलिड माइनस करना है। वेट सॉइल अलग होता है, उसमें से वेट ऑफ सॉलिड को माइनस करना है, तब जाके हमको क्या मिलेगा इसमें जो वाटर कंटेंट है उसका वजन। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, तो ये W इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पर क्या हो गया W2 माइनस W1। ये W2 माइनस W1 करने से सिर्फ आपको वेट सॉइल का वजन मिलेगा, लेकिन वेट सॉइल में से भी माइनस करना है हमको वेट ऑफ सॉलिड, तब जाके हमको इसमें पानी कितना है वो मालूम पड़ेगा, माइनस WS। ठीक है, और अपॉन WS तो यहाँ पर पहले से है, ठीक है अपॉन WS तो पहले से यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो बाहर जाने के बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो W यहाँ से आएगा आपका W2 माइनस W1 अपॉन WS माइनस वन। ठीक है ना, ये दोनों बाहर जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस वन बचेगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहुंच गए, इसके आगे आपको क्या करना है आप देखो थोड़ा ध्यान से। अभी आपका W4 क्या है, दरअसल W4 क्या है ध्यान से देखो, W4 इक्वल्स टू अगर मैं W3 में से सॉलिड का वजन माइनस करता हूँ, W4 में से सॉलिड का वजन माइनस कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ W4 में से W3 माइनस वेट ऑफ सॉलिड, इसमें से मैं माइनस करूंगा वेट ऑफ सॉलिड, W3 में से मैं वेट ऑफ सॉलिड को माइनस करूंगा और मैं क्या करूंगा इतना ही रिप्लेस करूंगा पानी से, मतलब इतना पोर्शन मैं हटा दूंगा इसमें से, देखो यहां तक इतना पोर्शन मैं इसमें से हटा दूंगा और मैं इसको पानी से रिप्लेस करूंगा। तो देखो W3 माइनस WS, तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया, इतना पोर्शन तो मैंने हटा दिया, अब इसमें मैं प्लस करूंगा इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैं पानी इसमें रिप्लेस करूंगा इतने जगह पर, देखो जितना मैंने मार्क किया उतने जगह पर मुझे पानी को रिप्लेस करना है, तो ये प्लस में क्या आ गया रिप्लेसिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको मुझे रिप्लेस करना है विथ वॉल्यूम ऑफ इक्वल इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इक्वल वाटर या फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है आपको समझ में आया, जितना यहाँ पर सॉलिड है जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको मुझे रिप्लेस करना है पानी से, तब जाके मुझे W4 मिलेगा ना। W3 में पानी ऊपर है तो नीचे भी मुझे पानी डालना है, अब वो कितना पानी डालना है वो कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करता हूँ तो उतना पानी मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ से निकलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया था, जो कि होता है W ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आपका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को बाहर निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा WS अपॉन जी गामा W बराबर, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन देखो आपको अब क्या करना है, अब तो आपको VS मिल गया, VS क्या है मैं दूसरे इसमें मार्क कर लेता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से, आपको VS मिला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, मुझे रिप्लेस क्या करना है वॉल्यूम ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इक्वल वाटर, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल करना है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पर, तो मैं क्या कर दूंगा इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेट ऑफ वाटर से, क्योंकि मुझे क्या करना है सॉलिड के जगह पर वाटर को रिप्लेस करना है। ठीक है ना, यहाँ पर तो सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, उसके जगह पर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेट ऑफ वाटर से, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है आपका गामा W। तो ऐसे देखो आपका फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका गामा W और गामा W कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लिख भी देता हूँ कि ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर इसको गामा W से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
क्योंकि इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, ये आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, उसमें मुझे पानी को रिप्लेस करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस करना है, तो मैं इसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे यूनिट वेट ऑफ वाटर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई किया। तो आपका ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका वी एस क्या बचा, वी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन जी, वी एस है ये, ठीक है ना, वी एस, वी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन जी। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल गया, यहाँ पर जो चाहिए था वो रिप्लेसिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद द वॉल्यूम ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये जो प्लस के बाद जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है वहां पर आपको ये वी एस लिखना है। तो देखो ध्यान से, देखो किस तरीके से है, इस डब्ल्यू फोर, यहां से देखो डब्ल्यू फोर इक्वल्स टू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था वही हमको ये मिला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मैं फॉर्मूला रिप्लेस कर दूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, डब्ल्यू फोर इक्वल्स टू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आया मुझे, डब्ल्यू एस अपॉन जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मुझे यहां से चाहिए क्या, सबसे पहली बात तो यहां से चाहिए क्या, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमको यहां से ये डब्ल्यू एस रिक्वायरमेंट है, डब्ल्यू एस यहाँ पर डब्ल्यू एस है ना अपॉन में, तो ये डब्ल्यू मीन्स की डब्ल्यू एस की रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहां से मुझे डब्ल्यू एस को बाहर निकालना है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले क्या करो इस पूरे टर्म को बाहर लेकर चलो, क्योंकि मुझे डब्ल्यू एस को एक साथ कॉमन लेना है तो मुझे ये पूरे टर्म को इक्वल टू के बाहर लेना पड़ेगा, तो फिर ये अगर इक्वल टू के इस साइड रहेगा तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, डब्ल्यू थ्री माइनस फोर, और ये जो नेगेटिव में था यह पॉजिटिव में हो जाएगा डब्ल्यू एस, और ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन जी। मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू के बाहर ले लिया और यहाँ पर डब्ल्यू फोर को भी अंदर भेज दिया, W4 को मैंने अंदर भेज दिया और WS plus WS upon G को मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि मैंने ये पूरा टर्म एक साथ बाहर क्यों लिया, क्योंकि यहां से मेरे को WS को बाहर निकालना है, तो WS को यहां से बाहर निकालना है, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये कुछ इस तरीके से होगा W3 minus W4 equals to, तो ये थोड़ा, तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये डब्ल्यू एस जी माइनस वन अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉमन ले आएगा यहाँ से, तो चलिए यहाँ से मुझे डब्ल्यू एस को बाहर निकालना है, तो डब्ल्यू एस को बाहर निकालूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डब्ल्यू एस को बाहर निकालता हूँ तो ये अंदर आ जाएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, और फिर अब ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू जी अपॉन जी माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मुझे यहाँ से डब्ल्यू एस को बाहर निकालना है तो फिर ये अंदर आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरीके से। अब भी यहाँ पर आपका फाइनल मिल गया डब्ल्यू एस। ठीक है, अब इसको पुट इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन में पुट करो, देखो आपका इक्वेशन वन किस तरीके से था, आपका इक्वेशन वन यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ आपको डब्ल्यू एस की जगह पर ये वाला पुट करना है ना, तो सबसे पहली बात तो डब्ल्यू एस यहाँ पर अपॉन में, तो फिर इसका भी अभी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर ये पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, डब्ल्यू इक्वल्स टू ऊपर क्या क्या है, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू एस, इस डब्ल्यू एस की जगह पर मुझे ये पूरा टर्म फिट करना है, तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर ये डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, अब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल किया हमने इसका, तो ये जी माइनस वन अपॉन जी। ठीक है, इतना, लेकिन यहाँ पर बाहर इसको माइनस वन भी है, तो फिर ये होल माइनस वन इस तरीके से आएगा, तो ये आ गया आपका वाटर कंटेंट का फाइनल आंसर थ्रू द पिक्नोमीटर मेथड, और इसको मल्टीप्लाई 100 कर देना क्योंकि इसको हमको परसेंटेज में लेके जाना पड़ता है। तो आपको पता चला कि हमने वाटर कंटेंट कैसे निकाला, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को रटना मत, बस करना क्या है आपको इतना समझिए, इस वेट सॉइल को आपको रिप्लेस करना है पानी से। अब इस वेट सॉइल को आपको पानी से रिप्लेस करना है तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि इतना वेट सॉइल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना पड़ेगा, तो वही हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड किया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी सब हमने नॉर्मल से कैलकुलेशन किया है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा समझना था कि इसको हमको रिप्लेस करना है पानी से, तब जाके आपको ये फाइनल वाटर कंटेंट का फॉर्मूला मिला। तो यही पर आपका खत्म होता है पिक्नोमीटर मेथड। चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सैंड बाथ मेथड। ये जो मेथड है वो डायरेक्टली फील्ड के ऊपर ही किया जाता है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, तो फिर यहाँ पर जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में इसको डिफाइन कर दूंगा कि ये मेथड दरअसल होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सैंड बाथ मेथड में क्या करते हैं, इसमें जो सैंड बाथ होता है, तो सैंड बाथ इज ए लार्ज ओपन वेसल कंटेनिंग सैंड फील्ड
टू द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर और मोर, मतलब एक सैंड सैंड बाथ का कंटेनर होगा, उसमें 5 सेंटीमीटर का सैंड भर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ट्रे को रखेंगे, इसमें एक ट्रे को रखेंगे और उसमें हमारा जो वेट सॉइल है उसको डाल देंगे। इसमें जब हम लोग अपना वेट सॉइल डालेंगे, इसमें हम लोग साथ में क्या करेंगे, व्हाइट पेपर भी रखेंगे, ठीक है। व्हाइट पेपर के कुछ टुकड़े इसमें हम लोग डाल देंगे, इस तरीके से व्हाइट पेपर के टुकड़े इसमें डाल देंगे। अब वो क्यों डालेंगे, सॉइल सैंपल इज टेकन इन द ट्रे एंड फ्यू पीसेस ऑफ व्हाइट पेपर इज ऑल्सो केप्ट ऑन द सैंपल। जब हमने इस ट्रे के ऊपर हमारा वेट सैंपल को डाला, तब इस ट्रे का हम लोग एक बार वजन कर लेंगे, ठीक है ना। जब हमने इसके ऊपर वेट सॉइल को डाला तो फिर वो हमारा इनिशियल वेट हो जाएगा, इनिशियल वेट होगा, ठीक है। कहेंगे द सैंड बाथ इज हीटेड ओवर ए स्टोव। इस हम सैंड बाथ को हम लोग नीचे से गर्म करेंगे, स्टोव के ऊपर इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं हीट करते हम लोग इसको, 20 से 60 मिनट तक हम लोग इसको हीट करते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग हीटिंग द सैंपल इज टर्न्ड विथ नाइफ। सैंपल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे हिलाते रहेंगे किसी नाइफ से, मतलब वो चारों तरीके से एकदम हीट हो जाए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बंद कब करना है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाइट पेपर डाला था। जो हमने व्हाइट पेपर डाला था, जब वो ब्राउन टर्न होने लगेगा, देखो यहाँ पर द व्हाइट पेपर टर्न्स ब्राउन व्हेन ओवर हीटिंग अक्वर्स, आपको पता चल जाएगा जो व्हाइट पेपर आपने डाला है ना, वो व्हाइट पेपर ब्राउन टर्न हो जाएगा। जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगा वैसे ही आपको इस हीटर को बंद करना है, ठीक है। इस हीटर को बंद करना है और इस ट्रे को निकाल के फिर उसको ठंडा करना है। जब आपने इस ट्रे को निकाल के ठंडा कर दिया, तब आपका जो ड्राइंग प्रोसेस हुआ वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है कि एक्यूरेट नहीं होता। बस हम लोग इसी के ऊपर पता करते हैं कि जब वो पेपर हमने जो डाला है, अगर वो पेपर ब्राउन होता है तो हम लोग अपना हीटिंग प्रोसेस बंद कर देंगे। तो हम लोग इतना समझ लेंगे कि वो जो हमने सैंपल उसमें डाला था, अपना वेट सैंपल, वो अभी ड्राई हो चुका होगा। तो फिर अभी उसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, अब तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, हम लोग वापस इस ट्रे का वजन लेंगे जिसके ऊपर हमारा अभी ड्राई सैंपल है, ठीक है ना। हमने उसको ड्राई कर दे हीट करके, अभी इस ट्रे के ऊपर हमारा ड्राई सैंपल है। तब क्या होगा, अभी एक फॉर्मूले से हम लोग इसको निकालेंगे। वो क्या है, वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा इसमें से, वेट ऑफ इनिशियल, हमने गर्म करने से पहले उसको वजन किया था, ठीक है। तो वो हमारा वेट ऑफ इनिशियल माइनस वेट ऑफ फाइनल। अब फाइनल जब हमने इसको गर्म कर दिया उसके बाद हमने वेट किया, वो हमारा वेट ऑफ फाइनल अपॉन वेट ऑफ फाइनल माइनस वेट ऑफ ट्रे। इस ट्रे का भी कुछ तो वजन होगा ना, तो वो ट्रे का भी वेट हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब आप ये फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे तब इनडायरेक्टली आपको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। चलिए लास्ट देखेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बाइड मेथड। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन द फील्ड और इन द लेबोरेटरी टू। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज नोन एज रैपिड मॉइस्चर टेस्टर। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रैपिड मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है। इसमें हम लोग या तो लेबोरेटरी में इसको कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फील्ड पे, अगर ये रैपिड मॉइस्चर टेस्टर आप लेकर जाते हो तो वहां पर भी कर सकते हो। इसमें दरअसल होता क्या है, व्हेन द वाटर रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड, जब भी आपका वाटर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट होता है वहां पर एक एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है। देखो CaC2 जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो है CaC2+H2O। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब तो वहां पर एक गैस प्रोड्यूस होता है, एसिटिलीन गैस, जो कि C2H2+CaOH2, ठीक है। ये गैस प्रोड्यूस होता है, तो क्या हो जाता है, ये गैस ना उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, जो आपका रैपिड मॉइस्चर टेस्टर है ना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। द एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस एक्सिड प्रेशर एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द डाई गेज अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट। ये जो गैस का प्रेशर है ना वो टेस्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब वो टेस्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये जो रैपिड मॉइस्चर टेस्टर ये इस तरीके से बनाया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसके हिसाब से जितना प्रेशर वहां पर दिखाएगा दैट इज इक्वल्स टू द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट उसी तरीके से बनाया है, जितना प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा उतना आपको वाटर कंटेंट वो उस रीडिंग में दिखा देगा। वहां पर उसकी एक रीडिंग दिखाई देती है, उस रीडिंग में आपको डायरेक्टली मॉइस्चर कंटेंट वहां पर लिख के आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो द मॉइस्चर कंटेंट एम इज बेस्ड ऑन टोटल मास इज डिटरमाइंड। तो आपने वहां पर कुछ तो अमाउंट डाला होगा ना, कि कितना अमाउंट आपने उसके अंदर डाला है, तो फिर वो कैसे निकलता है, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू मास अपॉन 1 माइनस मास, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका वाटर फाइनल वाटर कंटेंट निकलेगा, क्योंकि आपने कितना डाला है वो भी तो मैटर करता है कि आपने उस टेस्टर के अंदर कितना डाला है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा बाय द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।